हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससीएमएसएस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। सीजीएल के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, जैसे कि मैं हमेशा से कह रहा था नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम है, और कुछ बच्चों ने पहले भी बता दिया था कि 9 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो 9 सितंबर से सीजीएल स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपके पास सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, तो 1 मंथ में आपको क्या करना है? इसकी इतनी फिर से स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो जाएंगी यूट्यूब पे कि 1 मंथ में क्या करें, फिर 20 दिन के लिए क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना, जो पहले से करते आ रहे हो अपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, और जो रिविजन करनी है आपकी सबसे मेन। ठीक है, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का मतलब क्या है कि एक मॉक टेस्ट में जो आप गलतियाँ कर रहे हो अगले मॉक टेस्ट में नहीं करनी। एक में इंप्रूव नहीं होती, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, उनमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सेम गलतियाँ बार बार रिपीट नहीं करनी है आपको। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ टेक्स्ट बुक को। बोलना पड़ेगा, मॉक टेस्ट के लिए हमेशा से टेक्स्ट बुक इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक तो इसमें बैंक और एसएससी दोनों को सिंगल पास में आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, और मेयर कोड यूज़ करोगे ट्रिपल एस टेन तो आपको 112% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आके परचेज कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं सारे, तो वो जाके अटैम्प्ट करो, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अभी आज मैं रीजनिंग का ही अटैम्प्ट कर रहा हूँ, अभी कल मैं मैथ्स का ट्राई करूँगा अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, कल वीकेंड भी है फिर। चलिए शुरू करते हैं अभी। कंसल्टिव कोडेड एज दिस, CONSULTFOQRPWX, 20 4 24 3 और 3 6 क्या है ये, 14 और 3 17, 19 माइनस 1, CX अपोजिट है 20 और 6 26, नहीं तो समझ नहीं आ रहा, अभी स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं एक और बार। ये भी स्किप। GT 20 27, ऐसे भी नहीं है, 7 19 4, 20 22 10, 7 है ये, 7 और 13, 4 और 6 10 हो रहा है, तो 7 6 13 कर देते हैं इधर। ठीक है, 7 का अपोजिट है 20, x का अपोजिट c कर देते हैं, फिर 19 और 3 22, 23 और 3 26 z कर दो। फाइंड नंबर ट्राइंगल्स। ओके, 1 2 3 4 2 8 तो यहाँ पे हैं। ठीक है, और 9 10 11 12, ठीक है, 13 और ये 14। इसका आधा 50 का आधा 15, नहीं में नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। कैसे हो सकता है? +5 15 और 10 24 26, नहीं आ रहा समझ। ALPIN, 171 लिख दिया इसको। 1 12 16 9 14 5 13 और 16 29, 9 38 और 5 47 और 14, 57 गुना 3 करेंगे, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17। ठीक है, 3 1 16 9 20 1 12, 4 16 20 9 29 और 1 30 20 50 और 12 62 13, 1 2 3 वो बोलते हैं उसमें, 1 2 3 इसमें भी है, 3 6 3 6 18, 186। इंग्लिश डिक्शनरी में करना है। ओके, 2 4 1 में सबसे पहले कौन सा आएगा? जोडियक एक आएगा सबसे पहले, 1 और 4 में से EZED एक ही आएगा सबसे पहले। चार 12 16 और
और कितना मचा, 6 4 में से 11 और 16 25, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना है डिफरेंस, 14 में से 9 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 17 में गए 625, 25 का स्क्वायर 5 7 9 11, 11 का स्क्वायर 121, इनका डिफरेंस है 11, मतलब 36 का स्क्वायर प्लस होगा 1296, ठीक है। 1296 प्लस करेंगे तो उसमें कितना आएगा, 6 और 4 10, और 10 और 7 17, 3 और 7 10, और ये 2 और 1 3, 3 हज़ार 70। विटीकल्चर ग्रेप्स के लिए होता है, फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स के लिए होता है। हिंदी में देख लो, सम बुक्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल आर शार्पनर्स, ऑल बुक्स आर बैग्स, ऑल बुक्स आर बैग्स, और ये बुक्स है। सम बैग्स आर शार्पनर्स, सही है। सम शार्पनर्स आर बुक्स, सही है। और सम शार्पनर्स आर पेंसिल्स, ये भी सही है। 5 का क्यूब माइनस 125 माइनस 20 216, 125 माइनस 20 216 माइनस 36 343 माइनस 49, 13 में से हो गया 464 माइनस 16, ये लगे क्यूब माइनस स्क्वायर था वो। पैंडा बैम्बू शेप के रहते हैं, कोला ग्रास हो गए। यहाँ पे स्टार्स, अभी इसको स्किप करो यार, कंफ्यूजिंग रहती है हमेशा। डी एम्परसेंड ई, कहाँ पे रहा, पी इज द ईस्ट ऑफ क्यू, डी इज द ईस्ट ऑफ ई, ठीक है। ई डॉलर, पी इज द साउथ ऑफ क्यू, डी इज द साउथ ऑफ सॉरी ई, ई इज द साउथ ऑफ एफ, एफ फिर से यही आ गया, एफ इज द ईस्ट, एफ इज द ईस्ट ऑफ जी, जी मल्टीप्लाई पी इज द नॉर्थ, जी इज द नॉर्थ ऑफ एच, एच एट द रेट पी इज द वेस्ट, एच इज द वेस्ट ऑफ ई, ठीक है। क्या बताना है, एच इज विच इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ, साउथ वेस्ट। एक्स बी 10 और 4 14 माइनस 6 करेंगे तो एफ आएगा पहले, चार 8 28 80 244, 4 20 50 52 कैसे हो सकता है। चार थे 12 माइनस 4 8 24 प्लस 4 8 86 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 आएगा, 12 माइनस 4 8 आएगा, तो लास्ट में 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 दून 6 1 732 माइनस 4 728। और सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन और फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गौरव इज पोर्ट टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित यहाँ पे मान लिया मैंने, 1 2 3 4, गौरव यहाँ पे आ गया। युक्ति इज सिटिंग एट वन कॉर्नर, सो युक्ति फिर यहीं पे बचेगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। टीम इज पोर्ट टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति, तो यहाँ पे युक्ति आएगी,
ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 हतीम यहाँ पे आ गया, हातिम, जैद इज थर्ड टू द राइट ऑफ गौरव, 1 2 3 जैद यहाँ पे आ गया, हु इज सिटिंग एट द सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जैद, हतीम, हातिम जो भी है, 11 दिन 22 और 3 25 दिन 50 25 100 और 5 नोट एम्बेडेड बताना है हमें, ओके ये वाले हैं और तो सारे हैं इसमें, सोलह का स्क्वायर 256 में का आधा, 24 का स्क्वायर 576 का आधा, 3 नहीं है, 16 128 24 8 192 ऐसे भी नहीं है, 24 को ना 12 होगा ना, 12 6 48 12 2 24 4 28 288 आधे से मल्टीप्लाई उसका, 16 2 32 प्लस 2 36 2 72 क्या है ये, 52 और 20 इसका मल्टीपल होना चाहिए पहले बात तो ये, ठीक है मल्टीपल किसका है, इसमें ही मल्टीपल आ रहा है एक तो बस, और किसी में मल्टीपल नहीं आएगा, और इसमें आ जाएगा 749 नहीं आएगा, बी तुक्का मार देते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी में 1 4 4 ही आएगा सबसे पहले तो, फिर तो डी ओ सी आई, ठीक है 4 के बाद 1 और 3 में से कौन सा आएगा, लोग ई एक आएगा सबसे पहले, फिर 3 5 और 2 में से कौन सा आएगा, डोरमेट्री डी ओ एम पहले आएगा 2, एफ एच यहाँ पे, एक सेकेंड रुको यार, को यार किसका पार्सल है, शुभम शुभम ओटीपी 99 रुपीज़, मैं जा रही हूँ चाबी ऊपर ही है, अच्छा ऊपर ही है ठीक है मेरे पास है चाबी, 99 रुपीज उसमें पे नहीं करे क्या अभी, लो ठीक है स्किप करते हैं यार अभी है। बुक इज कोडेड एज दिस, इतना गंदा क्वेश्चन है तो कैसे कह रहे हैं, 20 का डबल 2 का डबल 15 का डबल कहाँ गया फिर, 15 और 7 कुछ भी है क्या, ये भी नहीं आ रहा समझ, अभी मैं लेट हो रहा हूँ आज ऐसे ही छोड़ दूंगा पेपर, बीच में यहाँ पे पूरी बनेगी एक 4 बन गया, सेकंड कितने क्वेश्चन छूट गए, 2 और 4 और 6 क्वेश्चन गड़बड़ होने वाले हैं, के क्वेश्चन क्या था ये आ गया स्टारिंग पे, नीचे से हिल नहीं रहा है तो नीचे तो यही आएगा ट्रायंगल शायद, है ही नहीं किसी ऑप्शन में ही नहीं है, नीचे बॉक्स आना चाहिए, डी ऑप्शन में भी है ट्रायंगल, ठीक है बॉक्स यहाँ था आया।
समझ नहीं आ रहा यार, मैं तुक्का मार दे इसको कि है FH GF GFFH GFFH G चार और 4 8, 4 12, 4 16 और 2 18, 4 4 में होंगे ये GH. तुक्का मार रहा हूँ मैं, सी जो भी हो जाए देख लेंगे. के पांचों कौन सा था, ये भी छोड़ गया, ये वाला कर लेते हैं ना. सलोनी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ कार्तिक, कार्तिक का ओनली सन इज द डॉटर ऑफ सलोनी. ठीक है, क्या है, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक, निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक. यामिनी इज ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा. अंकित यामिनी कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंड ग्रैंड फादर ऑफ दीपक. तो ये हो तो गया कार्तिक इसका ये आ जाए ग्रैंड फादर. हाउ इज द कार्तिक रिलेटेड टू अंकित, कार्तिक का बेटा है ये फादर. कंसल्ट CONSULT FOQRPWX 3 4 3 3 और 3 6, 3 और 24, 15, 15, 12, 24, 23, 22, 18, 17. समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी. अरेंज इनको अरेंज करके तो प्लस नहीं है. 1 और 3 4 डी आएगा सबसे पहले, 13 1 7 14 5 20 19 सबसे पहले डी आएगा, फिर 5 और 3 8 एच आएगा, फिर 7 और 3 10 जे आएगा, फिर 13 और 3 16 पी आएगा, फिर 14 और 3 17 क्यू आएगा, एक डी एच जे पी क्यू एक में है. 5 और ये रह रहे ना, 5 और कैसे रहेगा, 10 दूनी 20 सिर्फ 5 नहीं है, फिर 6 का मल्टीपल तो कोई है नहीं इसमें. 6 नहीं आ रहा समझ यार, छोड़ दो इसे. बढ़िया पेपर था, सबमिट कर देता मैं ही. गंदे मार्क्स हैं काफी ज्यादा, सॉल्यूशन देख लेता हूँ फटाफट. के 5 कैसे होना था, डिफरेंस इनटू फाइव सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो. बारवा कोआला क्या है, एक क्विल
अच्छा ईट्स, पैंडा ईट्स, बैम्बू और कोला लीड्स क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। और थ्री एलिमेंट्स आर मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्या है एफ जी एच, जी एच एफ बकवास। और बाईस का स्क्वायर 484, दो का स्क्वायर 4, 15 का 225। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा लॉजिकल था एक पेपर। चलो ठीक है यार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।